कक्षा छः से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तो रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। प्यारे बच्चों, अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां सभी बच्चे ध्यान देंगे। अच्छा बेटा, सारे डेरिवेशन इजी हो जाएंगे। अनंत विस्तार, अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट, अचालक प्लेट के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अचालक प्लेट के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही कल टॉपिक जो है हम आपको बता भी रहे थे, लिखा भी दे रहे थे। तो बेटा, कोई एक अचालक प्लेट है जो अनंत विस्तार की है, माने जिसकी माप नहीं क्लियर है। तो देखो जरा, यहां मान लेते हैं, सभी लोग ध्यान देना, ये एक जो है अचालक प्लेट दिखाई दिया। क्या दिखाई दे रहा बेटा? अचालक प्लेट है, यहाँ नाम नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ये अनंत विस्तार वाली, अनंत माप वाली, ठीक है। और अगर हम इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो चूंकि ये अचालक है, आपको पता है बेटा, पीछे कहीं डेरिवेशन करा रहे थे, बताए थे कि अचालक में संपूर्ण जो है जगह आवेश वितरित होता है, फैलता है। तो इस प्लेट के संपूर्ण भाग में, माने संपूर्ण क्षेत्रफल में एक समान रूप से आवेश वितरित हो गया, ये पूरी की पूरी प्लेट में आवेश का वितरण हो गया, एक समान रूप से आवेश पूरी प्लेट में फैल गया। इधर क्लियर बच्चों? और ये जो अचालक प्लेट है, इस प्लेट के नजदीक, प्लेट बहुत पतली सी होगी, इस प्लेट के इधर या प्लेट के इधर कहीं कोई बिंदु है, और उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ मान लेते हैं प्लेट के नजदीक एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E पता लगानी है। सभी को समझ में आ रही है? अब एक चीज जानो बेटा, ये जो प्लेट या चद्दर, जैसे जो है घरों में चद्दर होती है, उसी को हम अंग्रेजी में सीट या प्लेट कहते हैं। प्लेट या चादर जो होती है पतली होती है, बहुत पतली। तो अगर इधर वैद्युत क्षेत्र बनाएंगी, तो ये प्लेटें जो है इधर भी वैद्युत क्षेत्र बनाएंगी। जितना वैद्युत क्षेत्र इधर बनेगा प्लेट के इस साइड, उतना वैद्युत क्षेत्र प्लेट के उधर भी बनेगा। तो ये जो ऐसे दिख रही है, रियली ऐसे है। अब ऐसे तो बन नहीं सकते चित्र में, ऐसे दिखा रहे हैं। तो प्लेट के नजदीक उधर कहीं कोई बिंदु पी है, उसे बिंदु पर शिवांशु पांडे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता कर ली, प्लेट के उधर स्थित बिंदु पर। और उस प्लेट के उधर जितनी दूर पर बिंदु है, इस साइड भी कोई एक सममित बिंदु पी डैश मान ले, जितना वैद्युत क्षेत्र उधर रहेगा उतना ही वैद्युत क्षेत्र इस साइड भी रहेगा। तो यहाँ
सुषमा जी एक बिंदु पी डैश है, उधर भी मैं दुख क्षेत्र रहेगा और अब दोनों बिंदुओं से गुजरता हुआ गासियन पृष्ठ खींचे। क्या खींचे बेटा? तो देखो जरा, दोनों बिंदुओं से गुजरता हुआ गासियन पृष्ठ खींच रहे हैं, क्योंकि ये आवेश का प्रभाव चौतरफा रहेगा, तो ये इस तरह से गासियन पृष्ठ इधर भी बनेगा और गासियन पृष्ठ बेटा इधर भी बनेगा। ये ऐसे ठीक है। ये जो अनंत माप वाली अचालक प्लेट है, इसका हम केवल कितने क्षेत्रफल का प्रयोग कर रहे हैं? ए क्षेत्रफल वाली प्लेट के नजदीक कोई बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पता करनी है। बिंदु P का सममित बिंदु P डैश है, P और P डैश से गुजरता हुआ गासियन पृष्ठ खींचे। इधर क्लियर? बात समझ में आई? अब बेटा बिंदु P, डेरिवेशन सरल है, ध्यान देखिए, वह P डैश इसको समझे रहिए, तभी अगला डेरिवेशन आएगा, चैप्टर आज खत्म होगा। बिंदु P व P डैश से होकर गुजरने वाले गासियन पृष्ठ हेतु गॉस प्रमेय से संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 1/ε0 इनटू क्यू, यही होता है। अब जैसा कि आपको दिखा रहा है कि ये प्लेट बड़ी सी है, इधर भी वैद्युत क्षेत्र बना रही है, इस साइड भी वैद्युत क्षेत्र बना रही है, कोई पतला तार नहीं है, बड़ी सी प्लेट है, तो प्रभावी वैद्युत क्षेत्र इसका इधर भी होगा सुषमा, और प्रभावी वैद्युत क्षेत्र इधर भी, माने ये इस साइड भी वैद्युत फ्लक्स है, इधर भी बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी और इधर भी वैद्युत फ्लक्स है, तो यहां संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स माने इस साइड वाला वैद्युत फ्लक्स और इस साइड वाला वैद्युत फ्लक्स दोनों ही जोड़े। तो यहां देखो वैद्युत फ्लक्स को हम लिख देंगे, वैद्युत फ्लक्स बिंदु P पर प्लस वैद्युत फ्लक्स कहां पर? बिंदु P डैश पर। दो दो जगह है ना, और आवेश तो वही है, आवेश तो बदल नहीं रहा है, प्लेट जितना आवेशित है दोनों जगह के लिए काम कर रहा है। अच्छा, उसके बाद बेटा जैसे कि सुहाना बताई है, फाई ई को लिख देते हैं क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई, इसकी वैल्यू भी क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई, यहां लिख दे रहे हैं एफ पी और यहां एफ पी डैश, शॉर्ट में मार दी, अंग्रेजी मार दी, और बराबर कुछ क्या है बेटा? अगली लाइन से डी फाई को क्या लिखते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन। तो इधर इसका क्षेत्रफल अल्प ये है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई है, इसमें भी तो वही चीज है, उस साइड भी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? वेक्टर ई, और क्षेत्रफल वही, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए, और वो 1/ε0 इनटू क्यू लिखा है, कोई दिक्कत किसी को? अगली लाइन से देखिए, ई डॉट डी ए को मतलब होता है ई डी ए कॉस जीरो, और यहां भी ई डी ए सेम चल रहा है क्या दोनों? समझ आ रहा बेटा? जो प्लेट है उसी के लिए निकाल रहे हैं। अब देखो जरा अगली लाइन से, अगर जुड़ उड़ रहा है तो जोड़ देंगे। देखो ई बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का सुकमा ने, यहां भी ई बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए 1/ε0। ये सब चीजें हम 7-8 बार बता चुके हैं, याद हो जानी चाहिए। अब स्वाति नक्षत्र E इंटू ए, इंटीग्रेशन डी ए माने संपूर्ण ए, यहां भी ए इंटू ए, और ये इंटू ए जोड़ के कई बार हो गया,
कोई दिक्कत बजा रही बराबर। एक चीज और, ये बेटा ये जो अचालक प्लेट है आवेशित, ध्यान दीजिएगा, अचालक प्लेट का आवेशी पृष्ठ घनत्व अचालक प्लेट का आवेशी पृष्ठ घनत्व देखिए जरा सिग्मा से लिखा जाता है, सौरभ एंड गाइन, सिग्मा से लिखा जाता है और सिग्मा बराबर सूत्र क्या होता है बेटा, क्यू अपान ए। याद करिए यहां क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, शिवांशु समझ आया, क्यू बराबर क्या होता है। तो अब यहां चलते हैं, इंप्लाई दो ई इंटू ए बराबर क्या लिखा है और सिग्मा इंटू ए, ए से ए, ई बराबर आ गया सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन। देखो यार दूरी उरी जरूरत नहीं पड़ी, तो ये इस तरह से डेरिवेशन हो गया। मेरी जो है हार्दिक इच्छा है कि मैं एक बार और समझा दूं, तो यहाँ गौर से देखिए जरा, अनंत इसको मन में समझो, कायदे से एकदम रीड कर डालो, क्योंकि आज चैप्टर समाप्त करूंगा चाहे जैसे हो। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा समझ, दो दिन ज्यादा पढ़ा दी इस चैप्टर को, तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा, अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमारे बीच सौरभ आ जाए हुए हैं, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की उपहरणी है। तो पहले क्या लेनी है, कोई एक अचालक प्लेट अनंत विस्तार की लेनी है, माने जिसकी जो है कोई निश्चित नाप ना हो। तो यहाँ अब हम आइए एक ऐसे अचालक प्लेट या चादर तो दिखाई देता ही नाम आधरे ही काहे अनंत है, तो ये अनंत माप वाली सुष्मिया एक कोई अचालक प्लेट है। अब अगर बेटा इसको हम आवेश देते हैं तो आवेश इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, कहाँ वितरित हो जाएगा, क्षेत्रफल में, और जब संपूर्ण क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा तो यहाँ देखो आवेश ऐसे भर गया। अब इस प्लेट के अगर नजदीक कहीं कोई बिंदु पी हो, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पता करना हो, तो अचालक प्लेट के नजदीक कहीं कोई बिंदु पी है और जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिखर ही पता करनी है, प्लेट पतली है उस साइड में वैद्युत क्षेत्र बनाएगी और इस साइड, तो अगर उधर पी है तो इस तरफ मान लेते हैं उसी तरह का बिंदु क्या है पी रहे, पी पर भी वैद्युत क्षेत्र रहेगा और पक्का बिंदु पी पर भी वैद्युत क्षेत्र रहेगा और पी डैश पर भी, तो पी और पी डैश से होकर गुजरता हुआ क्या खींचे, और इस चालक प्लेट के एक क्षेत्रफल के लिए आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर, तो क्यों बराबर, अब जोन प्लेट यह इधरो वैद्युत क्षेत्र बने माने इधरो वैद्युत फ्लक्स होए और इधरो बनाए बटे इधरो वैद्युत फ्लक्स होए, तो अब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स गैस पर में चिल्लाती है वन अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू होता है, माने पी पर फ्लक्स और पी डैश पर फ्लक्स मिला दे तो ये वन अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाता है, यहाँ देखो लिखे बेटा ऐसा वैद्युत फ्लक्स एट पी और वैद्युत फ्लक्स एट पी डैश दोनों जोड़ी और अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बनाई, और यहाँ इस फ्लक्स का मान देखो जरा इंटीग्रेशन डी फाई, इसका भी मान इंटीग्रेशन डी फाई, डी फाई को हम लोग जानते हैं वेक्टर ई डॉट डी ए, यहाँ भी वेक्टर ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए का मतलब होता है अनुच्छेद ई डी ए का जीरो, ई डॉट डी ए का मतलब ई डी ए का जीरो, मान एक होता है वक्त में ई बाहर आ गया, ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, क्लोज डी ए माने संपूर्ण क्षेत्रफल, ई ए ई ए दो ई ए बराबर वन अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, क्यू का मान धर दिए सिग्मा इंटू ए, सुहाना बताई, तो ए से ए कट गया, ई का मान क्या आ गया, तो आपको याद रहे एक चीज बेटा बड़ी कंफ्यूजन वाली है, चालक और अचालक, चालक के लिए सूत्र अलग है अचालक के लिए अलग, ऐसा खुद सोचो आवेशित चालक गोला रहता था
माने खोखला गोला, उसके लिए वैद्य क्षेत्र तक सूत्र लगाया, डेरिवेशन लगाया। लेकिन अगर हम अचालक गोला कहते तो सूत्र अलग आएगा और डेरिवेशन वगैरह भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ कैसी प्लेट है? अचालक। अचालक प्लेट ही जो है कोर्स में एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। लेकिन इस बार हो सकता है चालक प्लेट के लिए पूछ ले, तो चालक प्लेट वाला भी बताने जा रहा हूँ। तो आवेशित अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता याद रखिएगा सिग्मी अपान टू एप्सिलॉन। इधर क्लियर? दो छोटे छोटे डेरिवेशन के साथ चैप्टर समाप्त हो जाएगा।